नमस्कार, विवेक ट्यूटोरियल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज हम सीखने वाले हैं अलंकार। अलंकार अलंकार का मतलब क्या होता है? मराठी में अलंकार का मतलब होता है दागिने। दागिने मतलब क्या? ज्वेलरी। यहाँ पे भाषा में अलंकार का क्या उपयोग है कि भाषा को और सुंदर बनाने के लिए शब्दों रचनाओं को और लोगों की कल्पनाओं में उतारने के लिए कभी कभी वर्ड्स में फिर सेंटेंस में जो एक चमत्कारिक स्वरूप से जो बदल किया जाता है, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, तो उसके लिए अलंकार का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और जिसकी वजह से भाषा का सौंदर्य और खुल के दिखता है। जैसे अगर जैसे कोई लेडीज है तो उनको अगर हम लोग अलंकार ज्वेलरी पहनाएंगे तो उनकी खूबसूरती जैसे उठ के दिखती है, वैसे ही अलंकार मराठी भाषा में, मराठी और हिंदी दोनों में भी अलंकार है, तो भाषा का सौंदर्य जो है वो अलंकार से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके प्रकार। दो प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनके भी उप प्रकार है, लेकिन बहुत सारे उप प्रकार है, जैसे अर्थालंकार के 8 और 9 से है, इनके भी है, लेकिन उनको सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार है, और उनके सिर्फ दो दो प्रकार हमको सिलेबस में पढ़ने के लिए है। एक शब्दालंकार का उप प्रकार है अनुप्रास और यमक, अर्थालंकार का उप प्रकार है उपमा और उत्प्रेक्षा। अभी हम लोग देखेंगे शब्दालंकार के, पहले तो हम लोग शब्दालंकार के उप प्रकार जो है उनके ऊपर ध्यान देते हैं, अनुप्रास और यमक। फटाफट अलंकार के टाइप पहचानने के लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक देती हूँ। अनुप्रास का जो स्टार्टिंग वर्ड है अनु, अनु मतलब क्या? वन मॉलिक्यूल जो रहता है उसको मराठी में क्या बोलते हैं? अनु। तो यहाँ पे सिर्फ अनु है, मतलब एक है, एक। और प्रास मतलब क्या? रिपीटेशन। इसी में आपको शब्दालंकार पहचान अनुप्रास अलंकार पहचानने में बहुत इजी जाएगा। अनुप्रास अलंकार का मतलब है किसी भी एक वर्ड का एकास अक्षराची पुनरावृत्ति। एकाच अक्षराची पुनरावृत्ति होने किंवा उदाहरणार्थ देवा देवा दयाळा दुःख दूर करणारा दर्शन दे। कैसे पहचानेंगे अभी अनुप्रास अलंकार में क्या बताया गया है? अनुप्रास अलंकार में अनु मतलब क्या? एक अनु, अनु एक होता है, एक वचन में है, तो इसके लिए इसका मतलब ही इसमें बताया गया है, एक एक और एक वर्ड, किसी भी एक वर्ड की वर्ड का साइमल्टेनियसली रिपीटेशन होना, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। कैसे पहचानेंगे? तो देखो, देवा दयाळा दुख दूर दर्शन अरि दे, इसमें द ये वर्ड है, ये बार बार क्या हो गया है? रिपीट हो गया है ना, इजी पहचानने में, क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो है अनु मतलब
अनुप्रास अलंकार में फर्स्ट वर्ड जो है द जो है वो क्या हो रहा है, बार 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 रिपीटेड हो रहा है। ऐसे ही कोई भी अगर एग्जांपल आपको दिया जाता है उसमें कोई भी एक वर्ड जब बार 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 रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गया? अभी आते हैं हम यमक अलंकार के तरफ। यमक अलंकार मतलब क्या, इसी में यमक मतलब क्या, राइमिंग्स। जब हम लोग छोटे थे कैट पैट मैट ये जसा तसा असा तसा, मतलब जो जहां पे कविता में मोस्टली क्या हो जाते हैं, राइमिंग्स आते हैं, दो दो वर्ड्स का क्या हो जाता है, बीच और लास्ट में क्या होते हैं, रिपीटेशंस होते हैं, एक एक ही प्रकार के रहते हैं, पढ़ो झड़ो लागो इस तरीके से। यमक जो है, यमक को हम लोग बोल सकते हैं कि राइमिंग्स को मैच करना, राइम्स। उसका एग्जांपल है ससा रे कसा कापूस पिंजून बसला है जसा। देखो इसमें क्या रिपीट हो गया, कसा और जसा, राइम्स ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों राइम्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ससा रे कसा कापूस पिंजून बसला जसा। तो यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार में एक वर्ड का रिपीटेशन होता है, तो यमक में राइमिंग्स को हम लोग को क्या करना है, मैच करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यमक अलंकार। इजी, ये सबसे इजी टाइप है। अभी हम देखेंगे शब्दालंकार हो गया, शब्दालंकार के कितने टाइप्स हम लोग ने पढ़े, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है, वन वर्ड का क्या होता है, बार 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 रिपीटेशन होता है। वही यमक में क्या हम लोग को मैच करना है, तो राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। इजी ट्रिक से फटाफट आ जाएगा। वैसे ही अर्थालंकार में उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षण। अर्थालंकार के 9 टाइप्स हैं, लेकिन सिलेबस में हम लोग को 2 ही टाइप सीखने हैं, उपमा और उत्प्रेक्षण। इनके नामों में ही उनका एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। उपमा, उपमा मतलब क्या, किसी को किसी चीज से रिलेट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा। मतलब क्या, किसी को जैसे अगर किसी का रंग अगर दूध जैसा सफेद है तो हम लोग उसको दूध की उपमा देते हैं कि दूध जैसे सफेद रंग के हैं। जैसे कान्हा जी सावले हैं तो उनको सावले कलर की क्या की जाती है, नीले कलर की, सावले कलर की क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। तो वैसे ही उपमा अलंकार मतलब क्या, किसी एक शब्द को या किसी एक इमेज को किसी दूसरी इमेज की हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे उपमा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। मराठी में देखेंगे एखाद्या शब्दाची, एखाद्या शब्दाची किंवा एखाद्या शब्दाला दुसऱ्या शब्दाची उपमा देणे। एखाद्या शब्दाला मतलब किसी एक शब्द को दूसरे शब्द की हम लोग क्या देते हैं, उपमा देते हैं, तब क्या क्रिएट होता है, उपमा अलंकार।
एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल असेल वाहर सुंदर दुधा सारकी नदी. असेल तेथे वाहर सुंदर दुधा सारकी नदी. सावळाचा रंग तुझा पावसाळी नभा परी. दोन उदाहरणं दिलेली आहेत. त्याच्यामध्ये एखादा उपमा अलंकार म्हणजे काय कि एखाद्या शब्दाला दुसऱ्या शब्दाची उपमा देणे. एक शब्द को दुसरे शब्द की हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उपमा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार. तो यहाँ पे आता है एग्जाम्पल का असेल तेथे वाहर सुंदर दुधा सारखी नदी. इसका मतलब है कहीं पे तो बहुत ही सुंदर वहां पे नदी बह रही है. वो भी कैसे बह रही है, दूध ही जैसे. यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, नदी है, लेकिन उसको किसकी उपमा दी है, दूधा सर की. क्यों उपमा दी है दूधा सर की, जब नदी का पानी खड़खड़ बहुत ही फ्लो में आता है तब वो एकदम सफेद कलर का दिखता है. इसके लिए यहाँ पे क्या उपमा दी है नदी के पानी को, दूध की क्या दी गई है, उपमा दी गई है. मतलब एक कैरेक्टर है उसको हम लोग ने क्या किया है, दूसरे कैरेक्टर की क्या दी गई है, उपमा दी गई है. नदी का पानी मानो दूध जैसा क्या है, सुंदर दिख रहा है या बह रहा है, मतलब सफेदी उसकी दूध के जैसे सफेद है. मतलब क्या, एक शब्द को हम लोग ने क्या किया है, दूसरे शब्द की उपमा दी रखी है. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड, सावळाचा रंग तुझा पावसाळी नभा परी. अब यहाँ पे रंग, रंग की उपमा क्या की है. अब यहाँ पे पावसाळी नभा परी मतलब तुम्हारा जो कलर है वो कैसा है, आकाश में जब बादल, काले बादल जब छाते हैं तो वैसा. पावसाळी नभा परी मतलब क्या, जो बारिश वाले जो बादल रहते हैं वैसे. नभ मतलब क्या, आकाश. ठीक है, तो बारिश में जिस तरीके से आकाश का कलर होता है या जिस तरीके से बादल छाए हुए रहते हैं तो वो कलर और ये सावड़ा कलर, ये कैसा है, तुम्हारा मैच हो रहा है. मतलब रंग जो है, ये रंग को हम लोग ने किससे कंपेयर किया है, तो पावसाळी नभा परी. रंगाला कोणाबरोबरती कंपेयर केलेला आहे, सावळ्या रंगाला कोणाबरोबरती कंपेयर केलेला आहे, किंवा कोणाची उपमा दिलेली आहे, कंपेयर करणं नाही, इथे उपमा देणं. सावळाचा रंग म्हणजे कोणाचा सावळा रंग, कदा कृष्णाचा घ्या. कृष्णाचा सावळा रंग तुझा पावसाळी नभा परी. तर हा जो रंग आहे, रंग को हम लोग ने किसकी उपमा दी, पावसाळी नभा परी, मतलब बारिश के बादलों के जैसा कलर है सावला तुम्हारा भी ऐसे. तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार. अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ. उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा का मतलब ही ये है कि कल्पना. ये जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या है, कल्पना, कल्पना करना. यहाँ पे हम लोग क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, उपमेय, उपमेय जन उपमानस आहे अशी कल्पना करने. उपमेय और उपमान क्या होता है वो मैं, हम लोग अभी आ ही रहे हैं उसकी तरफ. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हा अंबा जनू साखरच. अंबा, अंबा की हम लोग क्या कल्पना कर रहे हैं कि उसकी मिठास तो दूसरी शक्कर ही है, या शक्कर ही हमारे इमेजिनेशन में आता है कि अंबा मतलब क्या है, शक्कर के जैसा मीठा है.
या हमारे तुरंत नजरों के सामने क्या आ जाती है, शखर आ जाती है, मतलब तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं, कल्पना कर देते हैं कि अंबा जनु साखरज। और एक एग्जांपल बताती हूँ, राम से अक्षर धनु मोती, यहाँ पे राम से अक्षर कशा सारखे आहे, मोत्या सारखे आहे। राम से अक्षर, राम आठवलं, राम चं अक्षर आठवलं, राम याद आया, राम का अक्षर याद आया, तो वो किसके जैसा आता है, कल्पना सामने आ ही जाती है कि उसका अक्षर तो कैसा है, मोतियों के जैसा ही है, मतलब तुरंत कल्पना आ जाती है, राम से अक्षर जनु मोती, मतलब एक उपमेय, उपमेय यहाँ पे क्या है, अक्षर, और उपमान क्या है, मोती। उपमेय मतलब क्या, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर किसको कर रहे हैं, अक्षर को। और उपमान मतलब क्या, जिसके साथ कंपैरिजन हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं उपमान। तो यहाँ पे उपमेय क्या आ गया, किसके साथ कंपेयर कर रहे, किसको कंपेयर कर रहे हैं, अक्षर को। आणि कोणा बरोबर कंपेयर करत आहोत, मोती बरोबर ते, कोण आणि कोणा बरोबर ते, इथे प्रश्न विचारू शकता, खुद ही आप लोग इस आंसर ढूंढने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु एंड हुम, इसी में तुम लोग को क्या मिल जाएगा, उपमेय और उपमान मिल जाएगा। हु पूछोगे तो अंबा आएगा, विथ हुम पूछोगे तो क्या आएगा, साखर आ जाएगा। हु विथ हुम, समझे, एकदम इजी है, कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछोगे आंसर आ जाएगा। उपमेय मतलब क्या, उपमेय को क्या बोलते हैं, जिसके साथ कंपेयर किया, किसको कंपेयर कर रहे हैं। उपमान मतलब किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उपमान। फिलहाल अलंकार हम लोग ने यहाँ तक समझ लिया। अलंकार के दो टाइप्स है, शब्दालंकार अर्थालंकार। उसके बाद में शब्दालंकार में हम लोग ने दो टाइप्स पढ़े, अनुप्रास और यमक अलंकार। अनुप्रास में एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास। एक सेंटेंस में एक वर्ड का, एक सिंगल वर्ड का बार बार रिपीटेशन होता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार मतलब क्या, जिसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं उनको हम लोग बोलेंगे यमक अलंकार। उसके बाद में आते हैं अर्थालंकार के पास। अर्थालंकार में हम लोग ने पढ़ा उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब क्या, किसी एक शब्द को दूसरे शब्द की क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में वो शब्द ही, जैसे मतलब उपमेय ही क्या है, उपमान है, ऐसा दर्शाया जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, या तो कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मोस्टली कल्पना की जाती है, तब जाके वो क्या बनता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी आते हैं यहाँ पे अलंकार, अलंकाराच्या संदर्भातील महत्वाची माहिती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है, और साम्यवाचक शब्द क्या है। तो ये हम लोग पहले जानेंगे और उसके बाद में फिर अलंकार का पहचान करना पड़ता है। पहले तो हम लोग जानते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान धर्म और साम्यवाचक शब्द क्या होता है, ये जानेंगे। अभी ये मैंने कलरफुल सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी एक 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 चीज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हा अंबा साखरे सारखा गोल आहे। अभी यहाँ पे आपको पूछेंगे कि उपमेय काया है, उपमेय ये जो मैं लिख रही हूं वो आप लोग भी कॉपी कर लेना। उपमेय ज्याची तुलना करायची आहे, तो जिसकी
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपमेय। ठीक है, ज्याची तुलना करायची आहे तो काय उपमेय। फिर यहाँ पे हम लोग ने किसकी तुलना की है तो अंबा, किसकी तुलना की है अंबा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अंबा। हाँ अंबा साखरे सारखा गोड आहे, इसमें से उपमेय पहचानो, उपमेय मतलब ज्याची तुलना करायची आहे तो, या हु यू वॉन्ट्स टू कंपेयर मतलब किसको कंपेयर करना है, वो आंसर आता है अंबा। अब आते हैं सेकंड तरफ, सेकंड है उपमान। उपमान पहचानो, जब ऐसा बोला जाएगा तो उसका आंसर है कि ज्याच्या बरोबर, ज्याच्या बरोबर तुलना केली जाते, तुलना केली जाते। तो इसी का विथ We compare, उपमान मतलब ज्याच्या बरोबर तुलना केली जाते, उपमेय मतलब क्या, जिसकी तुलना की जाती है, और यहाँ पे जिसके साथ तुलना की जाती है विथ हुम वी कंपेयर, तो आंसर क्या आएगा आंब्याची तुलना कोणा बरोबर केलेली आहे, साखरे बरोबर केलेली आहे। तर इथे आंसर काय येणार आहे, उपमान काय येणार आहे तुमचं, साखर। ठीक आहे, आता आपण येऊया समान धर्म। समान धर्म या पहले आते हैं सारखा, साम्यवाचक शब्द की तरफ आते हैं, तो लाइन में हो जाएगा साम्यवाचक शब्द। अभी आते हैं हम साम्यवाचक शब्द। साम्यवाचक मतलब क्या, साम्य मतलब क्या, सिमिलैरिटी, तर सारखेपना, सिमिलैरिटी को ही मराठी में हम लोग क्या बोलेंगे, सारखेपना। सारखेपना दाखवण्यासाठी वापरला शब्द, जस्ट लाइक आपका प्रपोजिशन जैसा रहता है ओवर अंडर द टेबल बिलो द टेबल, तो इस तरीके से साम्यवाचक शब्द सारखेपना दाखवण्यासाठी वापरलेला शब्द, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी है उसको जोड़ने के लिए जो वर्ड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यवाचक शब्द। यहाँ पे वो साम्यवाचक शब्द आंसर क्या है, क्या आएगा साम्यवाचक शब्द, दो जैसे अंबा है और साखर है, उनको जोड़ने वाला शब्द क्या है, सारखा, मतलब सिमिलैरिटी को दर्शाने के लिए जो प्रेपोजिशन लिया गया है वो क्या है, सारखा। आंसर क्या आएगा, सारखा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे, जनु, केवी, भासे, गमे, तेवी, जसे, तसे, क्योंकि इनके
बगैर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ये प्रीपोजिशंस जब तक नहीं लगाते तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, और उसको सिमिलैरिटी हम दर्शाने के लिए वो वर्ड के बिना वो सिमिलैरिटी पूरी नहीं होती है, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यवाचक शब्द। हाँ अंबा साखरे सारखा गोड़ है, किसके जैसा त्याच्यासाठी गोड आहे हे दाखव, साखरे साखर आणि गोड, इसके लिए हम लोग को ये वर्ड के बिना ये कंपैरिजन अधूरा रह जाता, ये प्रीपोजिशन के बगैर वर्ड सेंटेंस जो है वो हमारा अधूरा रह जाता। तो ये जो वर्ड है सारखा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साम्यवाचक शब्द। ऐसे ही जो एग्जांपल्स दिए जाएंगे उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, जनू केवी भासे ते धग जनू पावसाच्या नभा परी, तो जसा तो तसा, मतलब इस तरीके से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, ती भासे मला तिचे डोळे भासे मला कमळा परी कमळाच्या पाकळ्यां परी असे, तो मतलब इस तरीके से अलग अलग आप लोग को क्या दिए जाएंगे, सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें ये वर्ड्स आने ही आने हैं, इनके बगैर वो साम्यवाचक शब्द के बगैर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, कंपैरिजन कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए साम्यवाचक शब्द म्हणजे काय, सारखेपणा दाखवण्यासाठी, सिमिलॅरिटी दाखवण्यासाठी जो शब्द वापरला जातो, जो प्रेपोजिशन वापरला जातो, त्याला आपण काय बोलतो, साम्यवाचक शब्द। आता आपण येऊया समान धर्म, समान धर्म। समान धर्म, समान धर्म मतलब क्या, सिमिलैरिटी क्वालिटी। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाना है, क्वालिटी दिखाना है। धर्म मतलब क्या, क्वालिटी। समान मतलब क्या, सिमिलर, सिमिलर क्वालिटी। हम लोग को क्या करना है, दोन वस्तुतली आपल्याला काय दाखवायचं आहे, सारखेपणा दाखवायचं आहे, दोन वस्तुतील सारखेपणा। और क्वालिटी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या एडजेक्टिव बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, समान धर्म। अब यहाँ पे समान धर्म क्या है, क्या आंसर आएगा इसका, क्या क्वालिटी बताई है कि हाँ अंबा साखरे सारखा गोड आहे, काय आहे समान धर्म, आंबा पण गोड आहे आणि साखर पण काय असते, गोड असते। मतलब ये दोनों में से एक क्वालिटी क्या है, दोनों की भी क्वालिटी क्या है, सिमिलर क्वालिटी क्या है, गोड। गोड ही काय झाली, काय झाला, समान धर्म। अभी आपको समझ में आ गया उपमेय, उपमान, साम्यवाचक शब्द और समान धर्म। हाँ अंबा साखरे सारखा गोड है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अंबा ये क्या हो गया, उपमेय, उपमा। उपमा मतलब जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपमान, उपमा। और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, साखर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे उपमान। अंबा ये क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, साखर के साथ, इसके लिए ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और सारखा ये वर्ड एक प्रेपोजिशन की जैसे हम लोग ने यूज किया है दोनों की सिमिलैरिटी को जोड़ने के लिए, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साम्यवाचक शब्द। चार चीजें पहचाननी रहती है, उपमेय, उपमान और साम्यवाचक शब्द। और
लास्ट रह गया गोड। गोड ये क्या है, दोनों की क्वालिटी, सेम क्वालिटी, दोनों उपमेय और उपमान में सिमिलैरिटी दर्शाने वाली क्वालिटी क्या है, गोड। साखरे साखर गोड असत, आंबा सुद्धा कसा असतो, गोड असतो, तो ये दोनों की क्या है, सिमिलर क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो वो दर्शाते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान धर्म। क्लियर, ये हो गया अलंकार में जब क्वेश्चंस आते हैं कि उपमेय कौन सा है, एग्जांपल दिया जाता है, उसमें से आपको पहचानना पड़ता है उपमेय, उपमान, साम्यवाचक शब्द और समान धर्म। यहाँ पे हो गया अलंकार हमारा कंप्लीट। आगे वापस एक बार मैं उपमा और उत्प्रेक्षा, ये इन शॉर्ट वापस एक बार बताती हूँ। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में जो डिफरेंस है वो मैं बता रही हूँ। उपमा अलंकार कैसा रहता है कि दो चीजों में डिफरेंस जो है वो बताया जाता है, जैसे मेघ है और शाम है, यहाँ पे दो कैरेक्टर आएंगे मेघ और शाम है, उनके कलर का डिफरेंस जो है, डिफरेंस नहीं यहाँ पे सिमिलैरिटी है, दोघांचा कलर काय आहे, सावळा आहे, तर दोघांमधला सारखेपणा जिथे दाखवला जातो, दो चीजों की सिमिलैरिटी जहां दिखाई जाती है, तो उसको हम लोग दो चीजों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है, तो क्या सिमिलैरिटी है, सावळा रंग, ये क्या है उसकी रंग, ये क्या है दोनों में सिमिलर है, ये क्या सवाल पूछेंगे, तब जाके हम लोग को उपमा अलंकार मिल जाता है। तो दो चीजों में जो सिमिलैरिटी है वो दर्शाई जाती है, तब जाके हम लोग को कौन सा अलंकार मिलता है, उपमा अलंकार। अब इसमें उपमेय क्या हो गया, मेघ, ये मेघ क्या हो गया हमारा, मेघ हमारा हो गया उपमान। और उपमेय क्या हो गया, शाम। उपमेय मतलब शाम के सावड़े कलर को, हम लोग ने कंपैरिजन यहाँ पे किसका किया है, शाम का किया है, किसके साथ किया है, मेघ के साथ किया है, इसके लिए शाम ये क्या हो गया, उसका उपमेय हो गया, किसके साथ कंपेयर किया है, मेघ के साथ, इसके लिए ये उपमान हो गया। और सारखा, सारखा ये वर्ड क्या हो गया, दोनों में प्रेपोजिशन की जैसा साम्यवाचक शब्द। आणि साम्यवाचक शब्द और समान गुणधर्म, समान गुणधर्म मतलब क्या, दोनों में सिमिलर क्वालिटी क्या हो गई, सावळा, समान गुणधर्म। समझ में आया, दो व्यक्ति में हम लोग ने क्या किया है, कंपैरिजन क्या किया है, सिमिलैरिटी क्या निकाली है, सावले कलर की सिमिलैरिटी हम लोग ने निकाली हुई है। दो चीजें हैं, हु अगर पूछेंगे तो शाम आएगा, हुम पूछेंगे तो मेघ आएगा, सारखा साम्यवाचक शब्द, सावला समान गुणधर्म। ऐसे ही सेम हम लोग को यही आंसर्स वहां पे भी देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, आई थी प्रेम जनू सागरस, यहाँ पे हम लोग को कल्पना है कि माँ का प्यार ये क्या है, सागर ही है, और कुछ हो नहीं सकता, सागर ही है, मतलब ये क्या है, हम लोग प्रेम की उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, माँ के प्यार की तुलना हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, सागर के साथ कर रहे हैं, और तुलना नहीं कर रहे हैं, जनू सागरस मतलब क्या, कंप्लीटली कल्पना ये है कि आईच प्रेम हे काय आहे, सागर आहे, बस दॅट्स इट, आईच प्रेम हे काय आहे, सागर आहे, यहाँ पे कंपेरिजन नहीं, लेकिन उसको हम लोग ने क्या किया है, प्रेम, प्रेम कोणासारखं दाखवलेलं आहे आपण, सागरा सारखं। यहाँ पे उपमेय क्या आएगा, यहाँ पे उपमेय आएगा
आई। उपमान क्या आएगा? उपमेय मतलब हु, हुम किस कौन आएगा? सागर। उपमान जनु ये क्या आएगा? साम्यवाचक शब्द। आणि प्रेम हे काय? दोघांमधली सिमिलर क्वालिटी, समान गुणधर्म। मोस्टली उत्प्रेक्षा अलंकार कविताओं में ज्यादा यूज किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो कविताओं के सेंटेंस में और जिसमें ज्यादा से जनु, केवी, भासे, गमे ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो ये मोस्टली उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आते हैं। यहाँ पे दो चीजों को लेके सारखा, वारखा, जसे तसे ऐसे सारे वर्ड्स उपमा अलंकार में होते हैं। मोस्टली ये वर्ड कंप्लीट सेंटेंस के जैसे होते हैं और यहाँ पे हम लोग कविताओं के जैसे जनु, केवी, भासे ऐसे जब वर्ड्स आएंगे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे। बहुत ही ईजी है। इसमें दो दो कैरेक्टर में एक सिमिलैरिटी और यहाँ पे कल्पना मतलब उसके परे और हो ही नहीं सकती कि माँ का प्यार ये क्या है? सागर के जैसा ही है, बस उस दूसरा कोई उसको कंपैरिजन नहीं है। अलंकार कंप्लीट।